हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि YouTube में वीडियो आप अपलोड करते हो तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स कितने डालना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितने लाइन डालना चाहिए, टाइटल कैसा डालना चाहिए। तो चलिए गाइस, आपको आ जाना है अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको आना है कंटेंट पर। जैसे ही कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो कंटेंट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको आ जाना है फिल्टर में। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपको करना है मोस्ट व्यूज्ड। मोस्ट व्यूज्ड पर जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो तो आपका इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। देख सकते हो गाइस, एक मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन और टाइटल कैसे डालते हैं वो बताने वाला हूँ। मैं कोई भी एक वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैं देख सकते हो आप, मैं अपने वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस वीडियो पर क्लिक करा, एडिट पर क्लिक करता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने किस प्रकार से डाला है। गाइस आपको डिस्क्रिप्शन 20 या 25 लाइनों में डालना है गाइस, जिससे कि आपके वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे कि बहुत से यूट्यूबर होते हैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालने को बता देते हैं। आपको 10 या 20 लाइन डालना है खाली, ज़्यादा नहीं डालना है। जो भी आप वीडियो बनाते हो वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि आप किसी गेम के बारे में बताते हो या किसी भी यूट्यूब के बारे में टिप्स बताते हो, कुछ जो कुछ भी आप बताते हो वीडियो में उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। लिखने के बाद आपको टैग कितना डालना है, टैग भी आपको बताने वाला हूँ। टैग गाइस आपको सिर्फ 15 टैग डालना है, आपको 15 हैशटैग डालना है, जिससे कि आपके वीडियो को आगे प्रमोट करने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आपको खाली 15 हैशटैग डालना है। और हैशटैग डालने के बाद ऐड दर ऐड लगा के अपने, जैसे आपके चैनल बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके चैनल का नाम आप डाल सकते हो ऐड द रेट लगाकर, जिससे कि उनकी ऑडियंस भी आपके यूट्यूब पर आके देखे आपकी वीडियो। ऐसा भी होता है कि उनकी उनकी ऑडियंस आपके यूट्यूब चैनल को देख सकती है और लाइक भी करेगी। गाइस सब्सक्राइब भी करते हैं बहुत से लोग, इसलिए जिसके किस लिए तुम्हारी बड़े यूट्यूबर के वीडियो के कैटेगरी की आप अगर वीडियो बनाते हो तो वो ऑडियंस, बड़े यूट्यूबर की ऑडियंस आपके यूट्यूब पर भी आ जाती है। जैसे कि देख सकते हो मैंने उनके बहुत से यूट्यूबरों के नाम नीचे डाल दिए हैं। देख सकते हो ऐसे इस प्रकार से नीचे उनका यूट्यूब चैनल का नाम डालना है, ऐड द रेट लगा के उनका नाम डालना है और हैशटैग देख लीजिएगा मैंने हैशटैग कितना कम डाला है। हैशटैग आपको 10 से या 15 हैशटैग डालना है, 15 हैशटैग से ज़्यादा नहीं डालना है। आपको अगर टाइटल भी लिख रहे हो तो टाइटल आपको खाली 10 या 15 लाइनों में लिखना है। देख सकते हो जैसे कि मैंने इस प्रकार से लिख दिया है टाइटल। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको टैग शॉर्ट रिमैक्सिंग कैटेगरी, आपको अपनी जो भी जिस भी वीडियो पे आप काम करते हो, जिस प्रकार की आप वीडियो बनाते हो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। जैसे कि आप जो भी कैटेगरी आप उसमें चॉइस करते हो वो भी आप चॉइस करने के बाद आपको हैशटैग लगाना, टाइटल लिखना है इसमें। जैसे कि टैग लगाते हो उसमें टैग, जैसे ही आपको ज़्यादा टैग नहीं लगाना है, आपको खाली 20 या 15 टैग लगाना है। इसमें भी 15 या 20 टैग लगाते हो तो आपका वीडियो ज़्यादा वायरल होने का चांस रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा 20 या 15 शायद लगा हुआ है टैग, इसमें मैंने 20 टैग लगाए हुए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो ज़्यादा टैग आपको नहीं लगाना है, ज़्यादा टैग लगाने से ज़्यादा वीडियो वायरल नहीं होती, खाली नॉर्मली टैग लगाना है, ज़्यादा टैग नहीं लगाना है। टैग लगाने के बाद आपको सेव पर कर देना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियो सेव हो जाती है। तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहता हूँ।